पाउलो कोलियो की ये किताब जिसका नाम है वेरोनिका डिसाइड्स टू डाई, इस किताब को पढ़ने के बाद एक्चुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो आप खोज रहे हैं ना आपको वही मिलेगा। इसकी नायिका डिसाइड कर चुकी होती है सुसाइड के लिए, फिर वो उसको विजडम आता है कुछ कहीं से और उसके बाद वो खुशियाँ खोजना शुरू करती। लाइफ में खुशियाँ खोजनी पड़ती है दोस्त, ऐसे ही नहीं मिलेगा वो आपको, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। लोगों के चेहरे में स्माइल लाना होता है, किसी को कुछ देना होता है, किसी के लिए कुछ करना होता है। ये किताब ज़रूर पढ़ना अगर मन कर रहा है सुसाइड करने को ना, ये किताब बचा लेगा आपको, जीना सिखा देगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपको खुशियाँ खोजनी पड़ेगी और आपको खुशियाँ मिल सकती है क्योंकि वो आसपास ही होती है। खुशियों के लिए अक्सर हमारे हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामाइन, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होती है, लेकिन इन्हें सीक्रेट करने के लिए आपको काम करना होता है, मेहनत करना होता है, उसे खोजने के लिए निकलना होता है, अपने बिहेवियर पैटर्न में बदलाव करना होता है, आपको समझना होता है कि खुशियाँ कैसे पाई जाए, क्योंकि हमारा दिमाग एक्चुअली प्रोग्राम होता है प्रॉब्लम्स को देखने के लिए। ये हमारे दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म। यार देखो, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो और अगर आपने आपके दिमाग में ये डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा कि गाड़ियाँ आ सकती हैं, आपको ठोक सकती है, आपकी जान जा सकती है, तो आप ओवर पॉजिटिव होकर के मारे जाओगे, आप जंगल में खाली पैर निकल जाओगे, आपके पैर को कांटा लग जाएगा, आपको सांप काट सकता है, कोई कीड़ा काट सकता है, लेकिन आपको डरना होगा, ये आपके दिमाग का डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है और यही आपको बचाए रखा है इतने हजारों सालों से हमारी सभ्यता को। तो ये नेगेटिव होना, दुखी होना, परेशान होना, ये नेचुरल है, पॉजिटिव होना अननेचुरल है। खेतों से चावल का पैदा होना नेचुरल है, उसे पका कर खाना अननेचुरल है। चीजों का हमें प्राप्त होना, कोई मशीनें, कोई भी गैजेट्स हमें प्राप्त होना, ये नेचुरल है, नेचुरली हमें किसी और ने बनाया, हमें मिल गया, लेकिन उसे ऑपरेट करना सीखना ये अननेचुरल है, इसके लिए मेहनत करनी है। दुखी होने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप बस पड़े रहो सोफे में, शाम तक अपने आप दुखी हो जाओगे, कुछ नहीं करना है, व्यवस्था है। अगर आपने अच्छी संगत नहीं बनाई, बुरी संगत की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। अगर आपने अच्छी चीजों को नहीं खाया, बुरी चीजें आप अपने आप खाना शुरू कर दोगे रैंडमली। अगर आपने अच्छी हैबिट नहीं बनाई, खराब हैबिट बन जाएगी। आप बस सोफे में पड़े रहिए, टीवी देखते रहिए, मोबाइल में गेम्स खेलते रहिए, मोबाइल में वीडियो स्क्रॉल करते रहिए और देखिए आप अपने आप दुखी हो जाएंगे। लेकिन खुश होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुश होने के लिए खुशियों को खोजना पड़ेगा। आप जब ग्राउंड में जाके वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, आउटडोर गेम खेलते हैं, शाम तक आपके ब्रेन में वो हैप्पी हॉर्मोन्स जनरेट हो जाते हैं, ऑक्सीटोसिन जनरेट होता है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सारे हॉर्मोन्स जनरेट होते हैं। कैसे? जब आप डोनेट करते हैं, जब आप अपनों के साथ घूमते फिरते हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, हेल्दी टाइम स्पेंड करते हैं, छोटे छोटे पपीज जानवरों के साथ, एनिमल्स के साथ जाके एक लविंग मोमेंट इन्जॉय करते हैं, आपके अंदर वो खुशियों वाले हार्मोन जनरेट होते हैं और तभी आप खुश रह पाते हैं। और अगर आपको अभी भी लगता है कि खुशियां खोजनी नहीं पड़ती है, कुछ मत कीजिए, आराम से पड़े रहिए, देखिए कि क्या आप चुपचाप अंदर ही अपनी खुशी को पैदा कर पा रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप सिद्ध पुरुष हैं, आप विवेकानंद, बुद्ध, जीसस, नानक साहब के बराबर के सिद्ध हैं। लेकिन हम आम लोगों को खुशी पाने के लिए भागना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, माँ बाप को खुश करने से, अपने दोस्तों के साथ एक अच्छा टाइम मोमेंट बिताने से, अपने अपनों को खुश करने से जो खुशियाँ मिलती हैं उस वो रिप्लेसेबल नहीं है, कोई चीज़ उससे रिप्लेस नहीं कर सकती। अगर आप सांसारिक हैं, आपको खुशियों के लिए भागना पड़ेगा। और ये किताब ज़रूर पढ़ना अगर डिप्रेस हो, परेशान हो।